255वां अध्याय साक्षी लेखा तथा दिव्य प्रमाणों के विषय में विवेचन। साक्षी प्रकरण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ तपस्वी कुलीन दानशील सत्यवादी कोमल हृदय धर्मात्मा पुत्र युक्त धनी पंच यज्ञ आदि वैदिक क्रियाओं से युक्त अपनी जाति और वर्ग के पांच या तीन साक्षी होने चाहिए, अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं, किंतु स्त्री बालक वृद्ध जुआरी मत मतलब शराब आदि पीकर मत वाला उन्मत्त मतलब भूत या ग्रह के आवेश से युक्त अभिशक्त मतलब पातकी रंग मंच पर उतरने वाला चारण पाखंडी कुटकारी मतलब जालसाज विकलेंद्रिय मतलब अंधा बहरा आदि पतित अल्प आत्त मतलब मित्र या सगे संबंधी अर्थ संबंधी विवादास्पद अर्थ से संबंध रखने वाला सहायक शत्रु चोर साहसी मतलब दुस्साहस पूर्ण कार्य करने वाला दृष्ट को दृष्ट दोष मतलब जिसका पूर्व पर विरुद्ध कर बोलने का स्वभाव देखा गया हो वह तथा निर्दुत मतलब भाई बंधुओं से परित्यक आदि साक्षी बनाने योग्य नहीं है। वादी और प्रतिवादी दोनों के मान लेने पर एक भी धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्री को बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसी को कटुवचन सुनाना या कठोर दंड देना तथा हत्या आदि दुस्साहस पूर्ण कार्य करना, इन अपराधों में सभी साक्षी बनाए जा सकते हैं। जब मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके तीन पक्ष के भीतर गवाही नहीं देता है, राजा 40वें दिन उससे सारा ऋण सूद सहित वादी को दिलवावे और अपना दशांश भाग भी उससे वसूल करे। जो नराधम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वह फुट साक्षी मतलब झूठी गवाही देने वालों के समान दंड और पाप का भागी होता है। न्यायाधिकारी वादी एवं प्रतिवादी के समीप स्थित साक्षियों को ये वचन सुनावे। पातकियों और महापातकियों को तथा आग लगाने वालों और स्त्री एवं बालकों की हत्या करने वालों को जो लोग नरक प्राप्त होते हैं, झूठी गवाही देने वाला मनुष्य उन सभी लोगों को मतलब नरकों को प्राप्त होता है। तुमने सैकड़ों जन्मों में जो कुछ पुण्य अर्जित किया है वह सब उसी को प्राप्त हुआ समझो जिसे तुम असत्य भाषण से पराजित करोगे। साक्षियों की बातों में द्विधा मतलब परस्पर विरुद्ध भाव हो तो उनमें से बहुसंख्यक साक्षियों का वचन ग्राह्य होता है। यदि समान ग्रह समान संख्या वाले साक्षियों की बातों में विरोध हो, यथार्थ जहां दो एक तरह की बात करते हो और दो दूसरे तरफ की बात, वहां गुणवानों की बात को प्रमाण मानना चाहिए। यदि गुणवानों की बातों में भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें जो सबसे अधिक गुणवान हो उसकी बातों को विश्वसनीय एवं ग्राह्य माने। साक्षी जिसकी प्रतिज्ञा मतलब दावा को सत्य बताए वह विजयी होता है। वे जिसके दावे को मिथ्या बतावे उस पर पराजित निश्चित है। साक्षियों के साक्ष्य देने पर भी यदि गुणों में इससे इनसे श्रेष्ठ अन्य पुरुष अथवा पूर्व साक्षियों के दुगुने साक्षी उसके साक्ष्य को असत्य बतावे तो पूर्व साक्षी मतलब झूठे माने जाते हैं। उन लोगों को जो कि धन का प्रलोभन देखकर गवाहों को झूठी गवाही देने के लिए तैयार करते हैं तथा जो उनके कहने से झूठी गवाही देते हैं उसको भी पृथक पृथक दंड दे। विवाद में पराजित होने पर जो दंड बताया गया है उससे दुना दंड झूठी गवाही देने वाले और देने वाले से वसूल करना चाहिए। यदि दंड का भागी ब्राह्मण हो तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। जो अन्य गवाहियों के साथ गवाही देना स्वीकार करके उसका अवसर आने पर रागादि द्वेषों से आक्रांत हो अपनी साक्षीपन को दूसरे साथियों से अस्वीकार करता है, अर्थात वह कह देता है कि मैं इस मामले में साक्षी नहीं हूँ, वह विवाद में पराजय प्राप्त होने पर जो निश्चित दंड है उससे 8 गुना दंड देने का अधिकारी है।
उससे उतना दंड वसूल करना चाहिए, परंतु जो ब्राह्मण उतना दंड देने में असमर्थ हो उसको देश से निर्वासित कर दिया देना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र के वध की संभावना हो वहाँ उसके रक्षार्थ साक्षी झूठ उनके रक्षार्थ साथी साक्षी झूठ बोले कदापि सत्य न कहे। यदि कहीं किसी हत्यारे के विरुद्ध गवाही देने की हो तो सत्य ही कहना चाहिए। धनी और अधर्मण मतलब साहू और खदुका के बीचों बीच जो स्वर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही रुचि से इस शर्त के साथ कि इतने समय में इतना देना है और प्रतिमास इतनी वृद्धि चुकानी है व्यवस्था पूर्वक रखा जाता है, उस अर्थ को देख लेकर कालांतर में कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाए तो उसमें वास्तविक तत्व का निर्णय करने के लिए कोई लेखा पत्र तैयार कर लेना चाहिए। उसमें पूर्वोक्त योग्यता वाले साक्षी रहे और धनी मतलब साहू का नाम भी पहले लिखा रह गया हो। लेखा में संवत मास पक्ष दीन तिथि साहू और खदुका के नाम जाति तथा गोत्र के उल्लेख के साथ साथ शाखा प्रयुक्त गौण नाम मतलब बहच कठ आदि तथा धनी और द्रोणी के अपने अपने पिता के नाम आदि लिखे रहने चाहिए। लेखा में वांछनीय विषय का उल्लेख पूर्ण हो जाने पर ऋण लेने वाला अपने हाथ से लेखा पर ये लिख दे कि अमुक का पुत्र में अमुक इस लेखा में जो लिखा गया है उससे सहमत हो। तदनंतर साक्षी की अपने हाथ से यह लिखा कि आज मैं अमुक का पुत्र अमुक इस लेखा का साक्षी होता हूँ। साक्षी सदा सम संख्या मतलब दो या चार में होने चाहिए। लिपि ज्ञान शून्य ऋणी अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवा ले और आप अनपढ़ साक्षी अपना मत सब साक्षियों के समीप दूसरे साक्षी से लिखवाए। अंत में लेखक मतलब कातिब ये लिख दे कि आज अमुक धन और अमुक ऋण के रहने करने पर अमुक के पुत्र मुझे अपने ये लेखा लिखा। साक्षियों के न होने पर भी ऋणी के हाथ का कुछ हुआ लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है, किंतु वह लेखा बल अथवा छल के प्रयोग से लिखवाया गया न हो। लेखा लिखकर किया हुआ ऋण पीठ तीन पीढ़ियों तक ही होता है, परंतु बंधन की वस्तु तब तक धनी के उपभोग में आती है जब तक कि लिया हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता। यदि लेख पत्र देशांतर में हो उनकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदग्ध हो नष्ट हो गए हो घिस गया हो अपराध हो गया हो छिन्न भिन्न अथवा दुग्ध हो गया हो तब धनी ऋणी की अनुमति से दूसरा लेखा तैयार करावे। संदिग्ध लेख की शुद्ध हस्तलिखित आदि से होती है, अर्थात लेखक अपने हाथ में दूसरा लेखा लिखकर दिखावे। जब दोनों के अक्षर समान हो तब संदेह दूर हो जाता है। आदि पद से यह सूचित किया जा गया है कि साक्षी और लेखक से दूसरा कुछ लिखवाकर यह देखा दूसरा कुछ लिखवा कर ये देखा जाए कि दोनों लेखों के अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हो तो पूर्व लेखा के शुद्ध होने की कोई संदेह नहीं है। प्रतिप्राप्त क्रिया चिन्ह संबंध और आगम इन वस्तुओं से भी लेखा की शुद्धि होती है। ऋणी जब जब ऋण का धन धनी को दे तब तब लेखा पत्र की पीठ पर लिख दिया करें।
अथवा धनी जब जब जितना धन पावे तब तब अपने हाथ से लेखाती पीठ पर उसको लिखकर अंकित कर दे। ऋणी जब ऋण चुका दे तो लेखा को फाड़ डाले, अथवा लेखा किसी दुर्गम स्थान में हो या नष्ट हो गए हो तो ऋण शुद्धि के लिए धनी से भरपाई लिखवा ले। यदि लेखा पत्र में साक्षियों का उल्लेख हो तो उसके सामने ऋण चुकावे। दिव्य प्रकरण। तुला अग्नि जल विष तथा कोष ये पांच दिव्य प्रमाण धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, जो संदिग्ध अपने निर्णय अथवा संदेह की निवृत्ति से के लिए दोनों निवृत्ति के लिए देने चाहिए। जब अभियोग बहुत बड़े हो और अभियोग का परले सिर पर अथवा व्यवहार के जय पराजय लक्षण चतुष्पाद में पहुंच गया हो तब ये प्रतिवादी दोनों में से कोई एक परस्पर बातचीत करके स्वीकृति देकर अपनी रुचि के अनुसार दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत कर दिया करे। दूसरा संभवित शरीर या आर्थिक दंड से रहित तैयार करे। राजद्रोह या राजद्रोह या महापातक का संदेह होने पर शीर्षक स्थिति में आए बिना भी तुला आदि दिव्य प्रमाणों को स्वीकार करें। 1000 पाप से कम के अधिकारियों के लिए ग्रहण न करावे, किंतु राजद्रोह और महापातक के अभियोग में सत्पुरुष सदा ही उन्हें प्राणों की प्रजा प्राणों का वहन करे। सहस्त्र पर्ण के अभियोग में तुला आदि तीन राशियों को शपथ ग्रहण करने वाले के शुद्ध प्रभावित होने पर उसे 40वें 50वें दिलावे और दोषी प्रमाणित होने पर उसे दंड दे। न्यायाधिकारी दिव्य प्रमाण के लिए वस्तु प्रस्तुत मनुष्य को पहले दिन उपवास करवावे तथा दूसरे दिन सूर्योदय के समान वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। पहले फिर राजा और ब्राह्मणों के सम्मुख उससे सभी दिव्य प्रमाण ग्रहण करके किसी भी जाति अथवा वही की स्त्री किसी भी जाति का 16 वर्ष की आयु के अवस्था के कम का बालक, कम से कम 80 वर्ष की अवस्था वाला बूढ़ा मतलब अंधा नेत्रहीन पादरहित मतलब पंगु जाति मात्र का ब्राह्मण तथा रोगी, इन सबके शुद्धि के लिए यथार्थ इनके हुए अपराधों को संदेह का निवारण करने के लिए तुला नामक और दिव्य प्रमाण ही बाह्य है। क्षत्रियों के लिए अग्नि गर्म किया हुआ फल और तपाया हुआ मांस, वैश्यों के लिए जल मात्र तथा शूद्र के लिए सात जौ विषय उसकी शुद्धि के लिए आवश्यक बताए गए हैं। तुला दिव्य प्रमाण। जो तराजू उठाया या तोलना चाहते हो ऐसे दूसरे पलकड़े में कोई मिट्टी या प्रस्तुत बनने की वजन का टुकड़ा जो तराजू उठाया या तोलना
पड़ते हो, ऐसे लोगों के अभियुक्त को तुला के लिए एक पकड़ में बिठाकर दूसरे पकड़ पलड़े में कोई मिट्टी या प्रस्तर का उतने ही वजन का टुकड़ा रखकर उससे उसके ठीक ठीक तोले। फिर जिस संधि वेश में वह समा बराबर तोला गया है उसमें सफेद दड़िया की रेखा करके उस व्यक्ति को उतार दिया जाए, जितने पर वह निर्मांकित प्रदर्शन वाक्य आदि पढ़कर तुला को अभिमंत्रित करे। सूर्य और चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि और धर्म, ये सात मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। तुले, तुम सत्य का धाम मतलब स्थान हो। पूर्व काल में तुम देवता ब्रह्मा की देवताओं के तुम्हारा शरण किया है, अतः कल्याणी तुम सत्य की सत्य को प्रकट करो और मुझे संशय से दूर करो। माता, यदि मैं पापी या अपराधी हूं तो मेरा पलड़ा नीचे कर दो, और यदि मैं दोष रहित हूं तो मुझे ऊपर उठा दो। अग्नि दिव्य प्रमाण, अग्नि का दिव्य ग्रहण करने वाले के हाथों में धन मल मसल कर हाथों के काले तिल आदि चिन्हों की देखकर उन्हें मना महावर आदि से रंग दे। फिर उसके हाथों से अंजलि में पीपल के सात पत्ते रखे, हाथ सहित उन पत्तों को दो धागों से आवेष्टित कर दे। इसके बाद दिव्य ग्रहण करने वाला अग्नि की प्रदक्षिणा करे। अग्निदेव, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी अग्नि का दिव्य ग्रहण करने के हाथों में दान मसल कर हाथों के आले तिल आदि चिन्हों को देखकर उन्हें मसल कर आदि के रंग दे। फिर उसके हाथों की अंजलि में पीपल के सात पत्ते रखे, हाथ सहित उस पत्तों को धागे से आवेष्टित कर दे। उसके बाद दिव्य ग्रहण करने वाला अग्नि की प्रार्थना करे। अग्निदेव, आप मुझे संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में विचरते हैं। आप सबको पवित्र करने वाला और सब कुछ को जानने वाले हैं। आप साक्षी की भांति मेरे पुण्य और पाप का निवारण करके सत्य को प्रकट कीजिए। शपथ ग्रहण करने वाले के ऐसा कहने पर उसके उसके दोनों हाथों में 50 पलका जलता हुआ लोह पिंड रख दे। दिव्य ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे लेकर धीरे धीरे सात मंडलों तक चले। मंडल की लंबाई और चौड़ाई 16 16 अंगुल की हो तथा एक मंडल से दूसरे मंडल की दूरी की भी उतनी हो। तदनंतर शपथ लेने वाला अग्निपिंड को गिराकर हाथों में पुनः महाधान मसले। यदि हाथ न जले तो जलते हो तो भी शपथ करने वाला मनुष्य शुद्ध माना जाता है। यदि लोह पिंड बीच में ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत लोह पिंड लेकर चले। जल का दिव्य ग्रहण करने वाले को निमांकित रूप से वरुण देव की प्रार्थना करनी चाहिए। वरुण, मैं शुद्धि के योग्य हूँ, मेरी शुद्धि कीजिए, सत्य के बल से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके इस मंत्र का जल से जल को अभिमंत्रित करके वह मनुष्य निर्भीव नाभीर पर्यंत जल में खड़े हुए पुरुष की जड़ जंगा पकड़कर जल में डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे जब तक एक वैज्ञवान मनुष्य उस छुटे हुए बाण को ले आवे। तब तक यदि शपथकर्ता जल में डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है। प्रकाश विषय की प्रार्थना करे। विश्व, तुम प्रकार विषय की दिव्य
विष दिव्य विष का दिव्य प्रमाण ग्रहण करने वाला इस प्रकार विष की प्रार्थना करे, प्रिय तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और सत्य धर्म के संबंधी हो, इस कलंक से मेरी रक्षा कीजिए तथा ऐसा कहकर शपथकर्ता हिमालय पर उत्पन्न सांग विषय का भक्षण करे। यदि विषय बिना वरुण निमांकित जल का दिव्य ग्रहण करने वाला वाले को निमांकित रूप से वरुण देव की प्रार्थना करनी चाहिए। वरुण आप पवित्र में भी पवित्र हो और सबको पवित्र करने वाले हैं, शुद्धि के योग्य है, मेरी शुद्धि कीजिए, सत्य के बल से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके वह मनुष्य नाभि पर्यंत जल से खड़े हुए पर उसकी जंगा पकड़कर जल में डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे, तब तक वह वेगवान मनुष्य उस छूटे हुए बाण को ले आवे, तब तक यदि शपथकर्ता जल में डूबा रहे तो वह शुद्ध होता है। विष का दिव्य प्रमाण करने पर ग्रहण करने पर इस प्रकार विष की प्रार्थना करें, विष तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और धर्म सत्य धर्म के प्रतिष्ठित हो, इस कलंक से मेरी रक्षा एवं सत्य के प्रभाव से मेरे लिए अमृतमय हो जाओ। ऐसा कहकर शपथकर्ता हिमालय पर उत्पन्न सांग विषय का भक्षण करे। यदि विष बिना वेग के पच जाए तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धि का निर्देश करे। कोष दिव्य लेने वाले के लिए न्यायाधिकारी उग्र देवताओं का पूजन करके उसके अभिषेक का जल ले आवे। फिर शपथकर्ता को वह बतावला कर उसमें से भी 3 पसर जल पिला दे। यदि 14वें दिन तक राजा तथा देवता से घोर पीड़ा न प्राप्त हो तो वह निसंदेह शुद्ध होता है। अल्प मूल्यवान वस्तु के अभियोग में संदेह उपस्थित होने पर सत्य वाहन शस्त्र गौ बीज सुवर्ण देवता गुरुचरण एवं इष्टापूर्ति आदि पुण्य कर्मों से उसकी सहज साध्य शपथ विहित है। वेश का दिव्य प्रमाण ग्रहण कर इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दिव्य प्रमाण कथन नामक 255वां अध्याय पूरा हुआ।